नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के पूर्व चेयरमैन और अकाली नेता बलजीत सिंह नीला महल का आज सुबह निधन हो गया है। करीब 5 बजे अकाली नेता के सीने में दर्द हुआ और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही नेता ने दम तोड़ दिया। पंजाब के कैबिनेट मंत्री गुरजीत सिंह कांगड़ की महामारी टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कांगड़ कल मानसा में स्वतंत्रता दिवस संबंधी कार्यक्रम में झंडा लहराने पहुंचे थे और उसके बाद किसी स्कूल के समागम में भी भाग लेने पहुंचे थे। वहीं अब उनके संक्रमित होने की खबर से उनके संपर्क में आए लोगों में भगदड़ मच गई है। अमेरिका और चीन की सियासी अदावत बढ़ती ही जा रही है। शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक को अमेरिका से बोरिया बिजनेस समेटने को कहने के बाद अब राष्ट्रपति ट्रंप की नजर चीन की दिग्गज कंपनी अलीबाबा पर है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वे अब इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या अलीबाबा को अमेरिका में बैन किया जाना चाहिए। यूपी के फिरोजाबाद इलाके के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बिहार से गुजरात जा रही एक प्राइवेट डबल डेकर बस सुबह 5 बजे के करीब डिवाइडर से टकराई और उसमें आग लग गई। इस हादसे में एक की मौत हो गई और 3 घायल हो गए हैं। 3 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। यह घटना फिरोजाबाद इलाके के लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर थाना नसीरपुर इलाके के 54 नंबर कट पर हुई है। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में सभी यात्रियों को बस से उतारा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज रविवार यानी 16 अगस्त को जन्मदिन है, लेकिन केजरीवाल अपना बर्थडे नहीं मनाएंगे। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि वे महामारी के कारण अपना जन्मदिन नहीं मना रहे हैं, लेकिन उन्हें जनता से गिफ्ट जरूर चाहिए। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जो लोग अपने अपने गांव की कॉलोनी की जिम्मेदारी ले सकते हैं, आगे बढ़कर जिम्मेदारी लीजिए और ऑक्सीजन जांच केंद्र अपने गांव और इलाके में शुरू कीजिए ताकि लोगों की जांच कर उनकी जान बचाई जा सके। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी को युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताया है। हेमंत सोरेन ने तो उनके लिए रांची में एक फेयरवेल मैच कराने का खुला प्रस्ताव भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को दिया है। भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि देश और झारखंड को गर्व और उत्साह के अनेक क्षण देने वाले माही ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सबके चहेते झारखंड के लाल माही को नीली जर्सी पहने अब नहीं देख पाएंगे, लेकिन देशवासियों का दिल अभी भरा नहीं है। राम मंदिर की आधारशिला रखे जाने के साथ ही अब राम मंदिर के आसपास के मंदिरों के दिन भी बहुरेंगे। जर्जर मंदिरों के अस्तित्व को बचाने के लिए जल्द ही योगी सरकार मंदिर प्रशासन के साथ मिलकर इनका जीर्णोद्धार करवाएगी और राम की नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को त्रेता की नगरी में आने का अनुभव कराने के लिए अयोध्या के मंदिरों में उनकी प्राचीनता के हिसाब से योगी सरकार जीर्णोद्धार कराने जा रही है। जल्द ये योजना जमीन पर क्रियान्वित होगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री चेतन चौहान की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। पिछले 1 महीने से संक्रमण से जूझ रहे मंत्री चेतन चौहान की किडनी में इन्फेक्शन बढ़ गई है, जिसके बाद उन्हें लखनऊ के पीजीआई से मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। जब अब वहां पर उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कभी हां तो कभी ना की स्थिति बनी हुई है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक यह कह दिया है कि चुनाव समय पर होंगे। इसके बावजूद बीजेपी ने अपने आंतरिक सर्वे में यह पाया था कि ज्यादातर नेताओं ने चुनाव न कराने पर अपनी सहमति जताई है। वहीं आरजेडी के नेता भी साफ कहते हैं कि चुनाव अभी कराएं या बाद में कराएं, सत्तारूढ़ दल और एनडीए को करारी हार मिलनी तय है। मध्य प्रदेश में 27 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने एक नया नारा दिया है। कांग्रेस ने बिकाऊ नहीं टिकाऊ चाहिए, फिर से कमल ना चाहिए का नारा दिया है। वहीं कांग्रेस के इस नारे पर अब प्रदेश में सियासत छिड़ गई है। बीजेपी ने कांग्रेस के नारा देने पर करारा जवाब देते हुए कहा है कि उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने के लिए कांग्रेस पार्टी को चेहरे नहीं मिल रहे हैं। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए चढ़दी कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।